अस्सलाम वालेकुम। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में जारी इंटरव्यू के बारे में KMU ने ताज़ा तरीन और स्टेटिस्टिक जारी कर दी है, यानी आज वक्त तक जितने एडमिशन हो चुके हैं उनकी तफसील KMU ने अपने फेसबुक पेज पर जारी कर दी है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पब्लिक सेक्टर MBBS/BDS एडमिशन वैकेंसी स्टेटिस्टिक फर्स्ट सेशन 29 दिसंबर 2023, यानी सरकारी कॉलेजों में MBBS दाखिलों की तफसील आज 29 दिसंबर 2023 को पहले सेशन के एंड तक कितने सीट्स कौन कौन से कॉलेजों में वैकेंट रह चुके हैं तो उसकी तफसील कुछ इस तरह है। ये आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है SMC सेदू मेडिकल कॉलेज। इससे पहले KMC और AMC और BKMC और KGMC, इन चारों कॉलेजों में एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं। और इससे पहले वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब ये सामने तीन कॉलेजेस हैं SMC, NMC और GMC। MBBS ओपन मेरिट की सूरत हाल कुछ इस तरह है। SMC में फ़िलहाल 45 दाखिले हो चुके हैं 62 में से, यानी यहाँ कुल ओपन MBBS सीट 62 हैं जिनमें 45 सीटों पर एडमिशन हो चुके हैं, जबकि 17 सीट्स अभी बाकी हैं। हो सकता है अब दूसरे सेशन में जो 2 बजे इंटरव्यू शुरू होगी तो ये 17 सीट एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। अब NMC नौशेरा मेडिकल कॉलेज नौशेरा में कुल 78 ओपन MBBS सीट्स हैं जिनमें से अभी तक 9 सीट्स पर एडमिशन हो चुके हैं, जबकि 69 सीट अभी वैकेंट हैं। दूसरे सेशन में इस पर भी दाखिले मुमकिन हैं। और GMC गूगल मेडिकल कॉलेज DI हान में कुल 62 सीट्स हैं ओपन MBBS के, अभी तक इस कॉलेज में 15 दाखिले हो चुके हैं, जबकि 47 सीटें अभी तक खाली पड़े हैं। सेशन 2 में इस पर भी दाखिले हो सकते हैं। और ये नीचे जनरल सेल्फ फाइनेंस हैं KMC खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर, इसमें कुल 17 सीट हैं सेल्फ MBBS के, उनमें से 3 पर दाखिले हो चुके हैं, जबकि 14 सीटें अभी वैकेंट हैं। हो सकता है दूसरे सेशन में इसमें भी 1-2 दाखिले हो जाएं। बाकी 3 कॉलेज जो है गजुहान मेडिकल कॉलेज सवाबी, बनू मेडिकल कॉलेज बनू और खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कुआट, इन तीनों में अभी तक एक एडमिशन भी नहीं हो चुकी है MBBS की ओपन सीट पर, लिहाजा अभी तक वो इस बोर्ड पर नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है दूसरे सेशन में आज जो 2 बजे इंटरव्यू शुरू हो रही है तो हो सकता है उनमें से रुझान सामने आए और बाकी बनू मेडिकल कॉलेज और KIMS में कल और परसों एडमिशन मुमकिन हैं, यानी उनकी सीटें भी कल हो सकता है कि फिल हो जाएं। तो वक्फे तक KMU ने अपने फेसबुक पेज पे ये तफसील जारी की थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की।